अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने चिकन चीज़ स्टफ्ड पोटैटोज़ बनाए और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे, मतलब इतने मज़े के मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। ये बिल्कुल रैंडम मैंने, मुझे लगा कि ऐसी रेसिपी बनानी चाहिए तो मैंने बनाई। मैंने अपनी तरफ से चीज़ें ऐड करी हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहती हूँ। सबसे पहले हमने 4 आलू लेना है और हमने उनको अच्छी तरीके से पील कर लेना है। सारे उसके ना जो ऊपर का छिलका होता है वो हटा लेना है। फिर हमने ऐसे बीच से इसको कट करना है। मैं आपको पूरी कटिंग दिखा रही हूँ कि हमने कैसे इसको कट करना है। बीच से हमने इसको सेंटर से इसको करना है कट और इसकी फिलिंग निकालनी है। कट करने के बाद आपको स्पून से मदद से बड़े आहिस्ता से आपको ये थोड़ा सा मेथड करना होगा फॉलो, ताकि आपका आलू जो है ना वो टूटे नहीं, आलू टूटना नहीं चाहिए। फिर हमने सारे ऐसे कट करके हमने पानी के अंदर रख दिए, ताकि जो हमारे ये आलू हैं ये बिल्कुल भी काले नहीं हो। फिर उसके बाद हमने अपनी चिकन की फिलिंग लेनी है ऑयल के अंदर। चिकन का बोनलेस चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स आप लो, बहुत छोटे छोटे से, या तो कीमा ले लो या चिकन क्यूब्स ले लो। उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करना है और फिर उसके बाद 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। मैं चीज़ें नीचे मेंशन भी करती जाऊंगी, आप वो भी देखते जाना। फिर इसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड करा और चिली सॉस ऐड करा। मैं इसके अंदर हाफ़ अनियन ऐड करी और चॉप्ड कीवी, हाफ शिमला मिर्च ऐड करी। फिर मैंने इसके अंदर मशरूम्स ऐड करे। मशरूम्स आप लाजमी ऐड करना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने इसके अंदर हॉट सॉस ऐड करा, केचप ऐड करी और चिली फ्लेक्स ऐड करी। फिर मैं विनेगर भूल गई थी ऐड करना, तो मैंने एंड में इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स विनेगर के भी ऐड कर दिए। फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से करना है मिक्स और आपको थोड़ी देर इसको पकाना है, ताकि जो ना ये जो आपकी वेजिटेबल जो आपने ऐड करी है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने इसके अंदर मिक्स थाइम्स ऐड करना है। और अब आप पहले अपने आलू जो हैं पानी सेपरेट करके हमने इसके ऊपर ऑयल लगाना है। मैंने ऑयल के अंदर मिक्स थाइम्स ऐड करे थे, ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। हमने अच्छी तरीके से ऑयल से और मिक्स थाइम्स जो हमने प्रोडक्ट बनाया उससे ग्रीस करना है और फिर हमने इसको ओवन में बेक करना है। मैं बेकिंग की जो टाइमिंग है वो नीचे मेंशन कर दूँगी। फिर हमने बनाना है वाइट सॉस। जब तक हमारे जो आलू हैं वो बेक हो रहे हैं, हमने वाइट सॉस बनाना है। ऑयल लेना है थोड़ा सा, उसके अंदर खाली गार्लिक चॉप्ड करके हमने ऐड करना है। मुझसे थोड़ा सा गार्लिक ना डार्क फ्राई हो गया था, आप थोड़ा सा इसको शेलो फ्राई करना, बिल्कुल लाइट सा। फिर हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैदे का ऐड करना है और फिर इसको अच्छी तरीके से पकाना है। फिर इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर दूध ऐड करा है और इसके अंदर फिर मैंने ब्लैक पेपर ऐड करा है 1.5 कप के करीब। आप आहिस्ता आहिस्ता आप डालते रहना, आपको जितनी थिकनेस चाहिए हो। तो मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी उसके लिए मैंने 1.5 कप ऐड करा है। ये हमारे जो आलू हैं वो भी बेक्ड होकर हो गए हैं, बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से बेक्ड हो गए हैं। अब हम इसके अंदर अपना जो वाइट सॉस है पहले वो ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से हमने चारों में ना सारे जितने हमारे 4 लें, आप जितनी आपको बनाने हो उतने आपको आलू के अंदर ये सारे ना वाइट सॉस पहले इसको हमने अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है। फिर हमने जो अपना चिकन मशरूम का जो अच्छा सा मिक्सचर बना के रखना है, हर अच्छी आपको फिलिंग इसके अंदर ऐड करनी है, ज़्यादा ज़्यादा, कि आपकी जो ना आपको खाली आलू का टेस्ट ना आए, आपको चिकन और सारे सॉसेस का फ्लेवर भी आना चाहिए। ये सारी हमने इसके अंदर फिलिंग ऐड करनी है। फिर उसके बाद हमने वापस से वाइट सॉस ऊपर ऐड करना है। ये लाजमी स्टेप, आप कोई भी स्टेप इसको मिस मत करना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर हमने इसके अंदर चीज़ ऐड करी। मैंने इसके अंदर पिज्ज़ा चीज़ ऐड करी, आप मोज़रेला और चेडर कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमने ऊपर चिली फ्लेक्स करी गार्निश और हमने इसको बेकिंग करने के लिए रख दी। बेकिंग करने के लिए जो भी मैं जितने टेम्परेचर पर मैं करूँगी बेकिंग, मैं ऊपर मेंशन करती जा रही हूँ, आप उसके साथ नोट डाउन कर लेना। और ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ स्टफ्ड पोटैटोज़ हमारे रेडी हो गए। और आप इसकी चेक करो, लुक चेक करो, और इतने मज़ेदार बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट। हमारे जो पहले ही हमने इस वजह से आलू बेक कर लिए थे ताकि आपके आलू कच्चे ना रहें, और चिकन और चीज़ की जो फिलिंग है वो तो वैसे ही मज़े की है। आप इसको एग्जैक्ट मेरी रेसिपी फॉलो करके बनाओगे तो आपके ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अब दें मुझे इजाज़त, अब मैं मिलूँगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।